Good evening. Assalamu alaikum, everyone. As promised, the incredible Elaine Alam is with me. जब भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी टैलेंटेड और इतनी क्लैरिटी वाली खवातीन से इंटरेक्शन करती हूँ या मिलती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है. सो देर इज वन मोर, वो कहते हैं ना, गुड स्टोरी कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी एग्जाम्पल देख के और बच्चियाँ और खवातीन कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकती हैं. वेलकम टू बेटी सेशन इलेन. थैंक यू सो मच. दिस इज टू मच. बहुत आपने दैट वॉज अ वेरी ग्रेशियस इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच मुझे वेलकम करने के लिए. एंड आई थिंक जो आपका प्लेटफॉर्म है रामा, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. ये जो बेटी का प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, जो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं एडवोकेसी के, जो टूल आपने ढूंढा है इसको करने का, जितना इंगेजिंग आपका टूल है, Hats off to you. It's something. It's I'm proud of being part of this with you, and I'm really proud of. I'm absolutely honored to do this with, session with you also. And Thanks. Elaine, मैंने हम पहले भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी और मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा और जाना. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एलेन इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ फेसेस. और फेसेस के बारे में थोड़ा वो खुद भी बताएंगी. कोर एरियाज इनके, और इस वक्त जनरल मैनेजर भी हैं फेसेस की. इसके अलावा माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो और जो के आज का हमारा टॉपिक भी है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और पॉलिसी, उसकी ज़रूरत, इन सब पहलुओं पे इलेन बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है. माइनॉरिटी राइट्स मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी, आप कुछ अभी मुझे बता रही थी, उनके साथ भी आपका काम है. ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है और आप, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप उनका सपोर्ट सिस्टम है. सो आई मीन द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. एंड बिफोर वी डेल्व डीपर इन टू टूडेज टॉपिक, मैं कुछ थोड़ा बहुत फेसेस के बारे में जानना शुरू करूंगी कि आपने, व्हाई डिड यू फाउंड फेसेस. जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी. इट्स अ 15 ईयर लॉन्ग जर्नी नाउ. एंड पर्सनली जो मेरा इंटरेस्ट था, इट स्टार्टेड विद द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम. बहुत कुछ सीखा वहाँ से, या एडवोकेसी से लेके जो रियल इश्यूज हैं ऑन द ग्राउंड, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशंस में इंटरेस्ट था ही. माई फादर इज अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिज्म, करंट अफेयर्स, इन चीज़ों से तो एक वास्ता रहा ही बचपन से. लेकिन एक जो कोर ऑन द ग्राउंड जो इश्यूज हैं, जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं, वहाँ मेरा जो बिल्कुल एक डायरेक्ट कनेक्शन बना विद HRCP. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना मैंने काम किया, फिर मुझे लम्स SEDC सेंटर था, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क, टू लर्न मोर अबाउट द डेवलपमेंट सेक्टर. एंड आई सॉर्ट ऑफ ज्वाइंट द डॉट्स. और एक था कि ये डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स का जो नेक्सेस है और जो नीड्स हैं, जो काम जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत है, वो कितना, मतलब एक बहुत बड़ा स्कोप है काम करने का और बहुत बड़ी नीड है काम करने की. सो वहाँ से इनफैक्ट वी वर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें उस वक्त के जो डायरेक्टर थे ऑफ द SEDC सेंटर एज वेल, और मैं और एक दो और लोग, हमने फिर ये सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाए जिसमें हमारा जो स्कोप है और जो विजन है वो बहुत ब्रॉड हो. हमारे दिल को जो इश्यूज सामने नजर आते हैं, जहाँ हमें प्रॉब्लम नजर आती है, हम वहाँ काम कर पाए, कर सकें. हमें अपने वो एक जो ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे थोड़ा निकल के हमें सोचने का मौका मिले, काम करने का मौका मिले. तो उस टाइम पे हमने हर तरह का काम किया. उस वक्त कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से लेके, जब उस वक्त डिजास्टर्स आए, 2005 2008 के अर्थक्वेक्स आए, 2010 का फ्लड आया, उसमें रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का एक हमने अलहदा फेस किया. फिर खवातीन की नीड्स देखे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के उस वक्त कितना बड़ा नुकसान हुआ, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को, हॉस्पिटल्स के सिस्टम को, दूर दराज हमारे रूरल एरियाज में, वो हमने आइडेंटिफाई किया. और उस वक्त हमने एक हेल्थ एजुकेशन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट हीट के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें
हमारी एफर्ट थी कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स रिवाइव हों और वहाँ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्सेस है वो ख़वातीन का इम्प्रूव हो। सो एक इस विजन से हम गए, इस विजन से फेसेस को शुरू किया, काम स्टार्ट किया और आज हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स से लेके लाइक दैट्स ऑब्वियसली नाउ 15 ईयर्स से वी बीन डूइंग दिस। कम्युनिटी डेवलपमेंट के हमारे बहुत सारे हीड और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं ऑन द ग्राउंड। बट उससे हमने फिर एक आगे जाके फेसेस में एक ये भी रियलाइज हमने किया कि ये काम सिर्फ हम जैसे लोग, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, हम अपनी पूरी मेहनत लगा के एक सर्टन लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर हमने उस सबको जोड़ना है, उस सबको हमने अगर सस्टेनेबल बनाना है, तो हमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। हमें जिन लोगों ने इस चीज़ को इन द फ्यूचर इस पे काम करना है, जैसे जिसमें मैं मेनली गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक उन सब लोगों को मिला के पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स पे, पॉलिसी गैप्स पे, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स पे काम नहीं किया जाएगा, तो सस्टेनेबिलिटी इन प्रोग्राम्स में लाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए नाउ वी आर एट अ पॉइंट जहां हम मिनिस्ट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं इसी के ऊपर। ये इलेना आपने बड़ी अच्छी बात की। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो बेटी के प्लेटफॉर्म से व्हेन आई मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या वो तो सब लोग पर्सनल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं देखे ना इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, आप इनके साथ क्यों काम कर रही हैं। व्हाट एवरीबॉडी डज नॉट रियलाइज इज देखें हमारे पास हुकूमती रिसोर्स कभी नहीं हो सकेंगे, हमारी रीच हुकूमत जैसी नहीं होगी। दूसरा आपके टैक्स के पैसों से उनका बजट बनता है जिस जो बेसिकली उन्हें अप्लाई करना होता है। आई मीन आप मुझे ये बता दें कि छोटे से छोटा काम भी करना है तो क्या हुकूमत की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? बिल्कुल। और आप हमें आप अपने पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे हमें कह रहे हैं कि एक इतनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट स्टेक होल्डर है ही बेसिकली गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है बाकी बाद में आते हैं और एलेन इस बात को सेकंड करेंगे कि जब भी हमने कोई चीज किसी चीज को ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं किसी कैंपेन की ज्यादा, तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ स्टेक होल्डर के तौर पे हो तो जाहिर है बेहतरी हो जाती है किसी प्रोजेक्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री, क्योंकि रिसोर्सेज ये एक हम एडवोकेट ये करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर सिर्फ क्रिटिसिज्म का हमारा रोल नहीं है। एज सिविल सोसाइटी हमारा ये सिर्फ काम नहीं है कि हम कहें गवर्नमेंट बुरी है और काम नहीं हो रहा। हमारा काम ना गवर्नमेंट का ये अप्रोच होनी चाहिए कि सबका काम बंद कर दो। अगर सारे ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर तो मुल्क में कुछ भी नहीं होने वाला। ना सिविल सोसाइटी इफेक्टिवली काम कर सकती है, ना गवर्नमेंट किसी को काम करने देगी, तो वहां पे तो बिल्कुल एक डेड एंड पे हम आके खड़े हो जाते हैं। एंड दी ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज इफ वी वर्क टूगेदर, इफ वी सपोर्ट ईच अदर। और यही हमारा पॉइंट ऑफ एडवोकेसी भी है कि मिलके काम करना चाहिए। जहां गवर्नमेंट को गैप आता है वहां वहां पे हम सपोर्ट दे सकते हैं। कम्युनिटी की आउटरीच एनजीओस का तो एक बिल्कुल एक पिन है हमारा ये, इसके अलावा तो हम नहीं, नहीं सकते ना। हमारी कम्युनिटी में आउटरीच होती है। सो मतलब अगर वो रिसोर्स हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें, हम गवर्नमेंट को उनके प्रोग्राम्स में सपोर्ट करें। जैसे कि खवातीन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक वर्कर्स का बिल लास्ट ईयर ही पास हुआ है, लेकिन अब बदकिस्मती से हुआ ये है कि उस बिल के अभी रूल्स ऑफ बिजनेस अभी तक नहीं बन सके हैं। उस पर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं इन पार्लियामेंट, अभी भी उस पर बहस चल रही है कि मोडालिटीज कितनी मुश्किल हैं, कि गवर्नमेंट को जेब से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मिल बैठ के बारे में बात करें कि जैसे सिविल सोसाइटी हमने ओपन ऑफर किया कि हम डोमेस्टिक वर्कर्स को हम कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं काम उनके साथ। हमारी तरह की और 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाहौर में जो इसी इशू पे काम करें। अगर हम मिलके ये रजिस्ट्रेशंस गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट के साथ मिलके इस इशू पे काम करें, एंड आई एम श्योर वी कैन फाइंड अ प्रोग्रेसिव वे फॉरवर्ड। बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी एक भी इदारे या किसी एक भी स्टेक होल्डर को ओवरवेल्म ना करें, मिलके सब करें। इधर मैं एक बात जरूर कहूंगी लेन, अनफॉर्चुनेटली जब भी आप डोमेस्टिक हेल्प की या जो आपको करते हैं, इट इज ऑलवेज ओपन टू अब्यूज। घरों में आप देखते हैं कि अंडर एज बच्चों को भी रखा होता है, और फिर जब आप उनसे ये कन्वर्सेशन कहते हैं तो बहुत टाइम पे वो लोग ये भी कहते हैं कि माँ बाप आके छोड़ देते हैं। हाँ. वो कहते हैं ये भूखे मर जाएंगे, रख लें आप जो मर्जी आप कर रहे हैं इनके साथ।
अब्यूज दोनों साइड्स पे हो रहा होता है, और यू यू जस्ट हैव टू ऑल्सो चेंज योर बिहेवियर ऑफ हाउ यू जी व्यू ऑल ऑफ दिस एंड नॉट कम फ्रॉम अ पॉइंट वेर आपको लगता है आप किसी से बेहतर हैं. एब्सोल्युटली, आई थिंक पार्ट ऑफ आर वर्क ऑल्सो इज के हम जब डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ काम करते हैं तो इट्स टू चेंज, ट्राई एंड चेंज बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स. स्किल देना तो एक और बात है ना, स्किल तो हमने देना है, हमारे पास स्किल सेट है, हमारे पास ट्रेनर्स हैं. हमारा काम यही है कि 25 दिन हम उनको एक ऐसे मॉड्यूल पे ट्रेन करें कि वो किसी फिलिपिना मेड से कम ना हो, मतलब हम जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हमारी एक अपनी वर्क फोर्स बेहतर हो. तो ये हम 25 डेज का एक कोर्स बनाते हैं. बट उसके पीछे एक बुनियादी जो उसमें आप कह रहे हैं ग्रूमिंग का जो एक एक एलिमेंट है, या उसमें एटीट्यूडनल चेंज का जो एलिमेंट है, वो यही है कि अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स भी अगर अपना काम दिल लगा के उसी तरीके से करें, ऑनेस्टी से, उसी डिग्निटी से जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है विद एनी फॉरेन मेड एज वेल, तो वहां पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, उनको वेजेस पे करने में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर ऑनेस्टली मेरे घर में 9 to 5 इतना अच्छा काम हो रहा है, तो व्हाई शुडंट आई लीगली पे दैट पर्सन द मिनिमम, एटलीस्ट व्हाई शुडंट आई कॉम्पेंसेट दैट पर्सन फॉर देयर सर्विसेज. एंड इसी तरह जब हम दूसरी साइड की बात करते हैं, तो यही हम एम्प्लॉयर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या एम्प्लॉयर्स के साथ जो हमारे सेशंस होते हैं, वो इसी टॉपिक पे फिर होते हैं कि जब जब आपको एक सर्विस मिल रही है, जब आपको एक डिग्निटी से एक एक वर्क फोर्स मिल रही है, सो इट इज ऑल्सो देयर राइट कि वो अब्यूज ना हो, वो हरास ना हो, उनके लीगल राइट्स भी फिर उनको मिले, उनको अपने सोशल राइट्स भी मिले, उनको उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो भी उनकी तरह एक ही लेवल पे जाके अपने लोकल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को वो अप्रोच कर सकें. सो सेम लेवल ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है. और ये एटीट्यूडनल चेंज लाए बगैर बहुत मुश्किल और बड़े वो कॉन्सेप्ट लगते हैं कि पता नहीं ये बिल्कुल काम, बात है आपकी. बट आई होप आपकी बट जी आपकी काविश, हमारी काविश, हम सबकी काविश रंग लाए. और आपकी बात जी बिल्कुल सही है, मगर वही बेसिक बात है, इंसान को इंसान समझे और अपने अपने बिहेवियर्स अनलर्न करें तो हम अब बहुत आगे जा सकते हैं. अब थोड़ा सा मैं फोकस करूंगी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और पॉलिसी मेकिंग पे. और पहले तो इन सिंपल वर्ड्स इसका बताइए कि व्हाट इट इज, बिकॉज मैं और आप जानते भी हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल पब्लिक टू नो व्हाट यू मीन बाय इट. यस, पुटिंग इट वेरी सिंपली, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट जो होता है वो एक आपका जो एक जनरल हमारा बजट आता है, बजट पेश होता है, उसको सिर्फ हमने एनालाइज करना होता है जेंडर पर्सपेक्टिव से. उसमें हमने ये देखना होता है कि अगर हम उस बजट को डिसएग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं, और उन फील्ड्स में खासकर जो हम समझते हैं कि बहुत ही एक सोशल लेवल पे एक उनका बहुत हाई इम्पैक्ट है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और सोशल प्रोटेक्शन है, उस बजट डिसएग्रीगेशन का इन इन सब सेक्टर्स में जो कि हम कहते हैं कि प्राइम इम्पोर्टेंस हैं ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल, उसका इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट डिसएग्रीगेटेड बजट ऑन मेन एंड ऑन वीमेन, वो एंड ऑन दो चिल्ड्रन. एंड ऑन चिल्ड्रन. बट जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट मेनली लुक्स एट वुमेन, यंग गर्ल्स, ऑल्सो ट्रांसजेंडर्स. इट कैन अभी ये एक कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट है, इसपे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रही हैं, लेकिन लोकल लेवल पे डेवलपिंग कंट्रीज में इसमें अब काम शुरू हुआ है, लेकिन बहुत छोट कम लेवल पे. तो इस पे ट्रांसजेंडर्स की भी बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो जो एक ग्लोबल कंसेंसस है, जो ग्लोबली बात होती है, वो ये देखा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट मर्द और औरतों पे किस तरह से डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल दूर दराज इलाकों में. अब आप देखते हैं कि जो आपकी सोशल बैरियर्स हैं, उसमें लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत क्यों नहीं है, या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती. जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट की इम्पोर्टेंस ये है कि वो ये देखे कि एक एजुकेशन बजट में क्या इस गैप को रिड्यूस करने के लिए कोई प्रोविजन दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, कैश ट्रांसफर्स टू
टू पेरेंट्स ऑफ यंग गर्ल्स हुआ इन रूरल एरियाज, ताकि उनको ये ना फील हो कि ये बच्ची हमारी पे बोझ है, ये वाला कॉन्सेप्ट है उन उस फैमिली को कैश। और ये इंडिया में, बांग्लादेश में इसकी मिसालें पाई जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज या ट्रांसपोर्ट, द प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट। कोर्स, बट उसमें फिर सेफ्टी का एक एलिमेंट आता है ना. सो इवन इफ यू आर हाँ प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट, यू नो, एग्जैक्टली, विद द इंसिडेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड, मेरा ख्याल है पेरेंट्स और आपकी जो भी आपसे करीब होते हैं उनका ये बड़ा एक मेजर कंसर्न है कि क्या हाँ वो जो आप प्रोवाइड भी कर रहे हैं वो बच्ची के लिए सेफ है कि नहीं, या इवन बच्चे के लिए फॉर दैट मैटर. बिल्कुल, ये तो कंसर्न है, ये तो प्रोविजन, ये सारा काम बजट लेवल पे इतना जरूरी है देखना। बिकॉज जब तक हमने शुरू ही बात की रिसोर्सेज से, जब हमारी शुरू हुई हमने बात की कि स्टेक होल्डर्स की, हमने बात की रिसोर्सेज की, स्टेक होल्डर्स के पास रिसोर्सेज होंगे तो वो रिसोर्सेज आगे भी देनी है। जब वो रिसोर्सेज ट्रिकल डाउन होके नीचे तक जाएंगे तो फिर ही हम एक डेवलपमेंट हो सकती है, चाहे वो एजुकेशन हो है। तो अब वो बजट अगर ग्राउंड लेवल पे जाएगा ही नहीं और उन बर्निंग इश्यूज को एड्रेस नहीं करेगा जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है तो वो कैसे करना है, उसका रिसोर्स गवर्नमेंट ने क्या एलोकेट किया है उस कम्युनिटी में। हम रहीमिया खान की बात कर लेते हैं, हम बहावल नगर की बात कर, डेरा गाजी खान की बात करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की ऐसी प्रोविजन है दैट रियली नीड्स टू बी एड्रेस्ड? अदरवाइज इट विल बी दिस देयर विल रिमेन दिस गैप बिटवीन पॉलिसी। नाउ दिस इज अगेन अ की कंपोनेंट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, के पॉलिसी और रिसोर्स कमिटमेंट में इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फॉर आर्टिकल 25A सेज एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू एन एजुकेशन, ठीक है, ये और उसी आर्टिकल के हवाले से बहुत सारी एजुकेशनल पॉलिसीज बनी है, बट क्या वो रिसोर्सेज, एक इतना बड़ा गैप है कि आपकी पॉलिसी एक चीज कहती है लेकिन आपके रिसोर्स एलोकेशन जो है वो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आप गैप कैसे पूरा करेंगे? फिर आप वो फिगर्स अपने आप अपनी सोसाइटी में एजुकेशन लेवल, ड्रॉप आउट रेट्स, इन सारी चीजों को फिर कैसे एड्रेस करेंगे? सो ये एक बड़ा की एक कंपोनेंट है। मेरा एक सवाल है आपसे. जी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट की बात होती है और एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं देखते हम. अगर हम दो की एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनमें बहुत काम होना चाहिए, वो आपके ख्याल से क्या है? क्या एजुकेशन और हेल्थ है, या एक्सेस टू दीज थिंग्स है, या आप कुछ और भी समझती हैं कि इसके अलावा ज्यादा जरूरी है? मेरा तो ख्याल है कि एजुकेशन के बगैर आजकल जो हम जितनी भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आप देख लें चाहे वो बच्चों के साथ जाती है या बच्चियों के साथ जाती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के साथ जाती है, आप देखें जो एटीट्यूड है, एक वीडियो आजकल पुरानी लग रही है मुझे जो सोशल मीडिया पे सर्क्यूलेट हो रही थी, अब ट्रांसजेंडर चाइल्ड बींग मिसट्रीटेड, एक वो डांस की महफिल थी और उसको जिस तरह से ट्रीट किया बिल्कुल जा रहा था उस बच्ची को, ये यहाँ पे मैं तो कहूंगी कि एजुकेशन जो है वो एक इतना बड़ा कंपोनेंट है। मेरा तो ख्याल से जो एक हिस्टोरिकली हम सुनते हैं कि वो कहा गया था कि जी हम घास खा लेंगे लेकिन हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने, मेरे ख्याल से हमें ये सब कुछ छोड़ के हमें एजुकेशन पे सारा का सारा अपना जोर, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी सारी रिसोर्स एलोकेशन देनी चाहिए। बिकॉज जब तक ये नहीं होगा, आपको एक्सट्रीमिज्म, फनाटिसिज्म जो सड़कों पर हम देख रहे हैं, जो सेक्टेरियन वायलेंस है, हर तरह का जो जो रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज द लैक ऑफ एजुकेशन एंड द लोअरिंग लेवल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, जिस तरह की हम अब सोशल मीडिया पे इतनी घटिया बातें सुनते हैं, वो मर्द और औरतों की दोनों के लिए जो जो एजुकेशन एलोकेशन है मेरे ख्याल से वो इतनी लो है और उस पर इतनी काम करने की जरूरत है कि दोनों लेवल्स पे बराबरी का काम किया जाए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। बिल्कुल. मगर और इलेन, मुझे अब यहाँ पे एक और आपसे सवाल करना है. हम ये आपने ये बड़ी अच्छी बात की और इतनी इनक्रेडिबल एग्जांपल्स हैं जहाँ लिटरेसी रेट्स हाई हुए हैं, वहाँ क्राइम एकदम से डिप किया है. हाँ दूसरा, आपके ख्याल में एक एक रोजगार होना औरत या मर्द या ट्रांसजेंडर के हाथ में, एक इज्जतदार रोजगार होना कितना जरूरी है? और जब आप कोई भी रिस्पॉन्सिव बजट बना रहे हैं तो
ये गवर्नमेंट और स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स कितना जरूरी है टू बी माइंडफुल कि ठीक है तालीम मुहैया कर दी गई, मगर तालीम के बाद अल्टीमेटली तो रोजगार है, वेदर इट्स यू हाँ बिकम एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल, दोनों चीजें मैं तो कहूंगी, आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। जो दुनिया के प्रोग्रेसिव ममालिक हैं वहां पे बहुत इंटीग्रेटेड काम किया जाता है, इंटीग्रेटेड बजट्स बनाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंटल उनकी कोऑपरेशंस होती हैं जिसमें हर लेवल पे चीजों को कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे आपने बात की है कि रोजगार की, अब मैं एक मिसाल देती हूँ कि आप जितने मर्जी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर दें, स्किल डेवलपमेंट हर दूसरा आपको सड़क पे आपको नजर आएगा, अकेडमी इस चीज की उस चीज की, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ये हुनर सीख लें वो हुनर सीख लें, जब लेकिन जब तक आपने एक अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड नहीं देना, जब आपकी मार्केट श्रिंक होती जाएगी और आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं देंगे, तो एक जो इंडिपेंडेंस की आप भी जो बात कर रही हैं कि एक जो एम्पावरमेंट आती है विथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो अचीव करना इवेंचुअली बहुत मुश्किल है। बट आई रियली फील दैट इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच वेयर इट हैज टू बी एजुकेशन एट द कोर ऑफ थिंग्स, कि हाँ जब तक तालीम नहीं है तो ये सोच भी नहीं आनी, ये सोच नहीं आएगी कि मैं मेरे हाथ में रोजगार होना चाहिए, फिर तो मेरी वही सोच एक होगी कि नहीं मेरे मेरे बाप और भाई और शौहर और मेरे हर एक को मुझे ही कंट्रोल करना है, लेकिन आई डोंट नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो वो चीज तालीम से जरूर आएगी, लेकिन वो मौके भी प्रोवाइड करने की जरूरत है, एंड दैट्स ऑल्सो वेयर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि क्या स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जो आपका इकोनॉमिक स्फेयर है, वो क्या खवातीन के लिए भी उतना ही ओपन है जितना मर्दों के लिए है या या नहीं, इवन ट्रांसजेंडर के लिए, और इवन मतलब ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए तो बल्कि बड़ी खुशी की बात है कि अब वो कम्युनिटी खुद इतनी एम्पावर हो रही है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इशूज, फिक्सिंग द इशूज देमसेल्व, दे आर काउंटरिंग द इशूज, और उनकी अपनी कम्युनिटी स्ट्रेंथ की वजह से वो आज वहां पहुंचे। मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस तो एक उनके लिए मतलब हम एक रिसोर्सेज या हम प्लगइन्स हैं, बट असल एफर्ट उनकी अपनी है, असल जो सारा एक आउटलुक जो उन्होंने प्रोवाइड किया वो उनका अपना है, पावर अपनी है। और इलेन मुझे उन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी या खवातीन की कम्युनिटी में भी मुझे उन हीरो से इतना प्यार होता है जो बिल्कुल शुरू जो स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ लीड लेना सबसे मुश्किल काम है, द फर्स्ट वन बिल्कुल, टू गो अगेंस्ट द टाइड एंड से आई एम हियर, उसके बाद नॉर्मलाइज होती जाती है, देन यू आर लाइक अच्छा ठीक है उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ कर सकती हूँ, और वो डायनामिक चेंज होता हुआ हाँ हमें नजर आता है। बिल्कुल, इवन अगर आप इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और अगर हम पंजाब की तरफ भी देखें और पाकिस्तान की वैसे हुकूमत की तरफ देख लें, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जो नई पॉलिसियां हो रही हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं या बजट्स जो आ रहे हैं उनमें कितने ज्यादा इस बात पे फोकस हो रहा है कि उन्होंने इसको जेंडर रिस्पॉन्सिव बनाया, या आपको ये लग रहा है कि बातें बहुत हो रही हैं मगर जैसे आपने पहले कहा कि रिसोर्स और उसमें मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल एक तो ये सवाल, और उसी के पहलू में एक बात आपने बहुत अच्छी बयान की जो कि हमारी एक टीममेट का भी आपसे सवाल था मरियम का, कि क्या एक अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी के लिए डिफरेंट नहीं होगा, उनके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सो ये दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो ये होना नहीं चाहिए, नंबर वन, जो जितनी बड़ी डिस्पैरिटी है ना कि अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी, ये होना नहीं चाहिए। दैट जस्ट शोज रिफ्लेक्ट्स रादर अ लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग ऑन द पार्ट, एंड दिस शोज इयर्स ऑफ नेग्लिजेंस। ये एक ओवरनाइट की बात नहीं है, दिस शोज इयर्स एंड डेकेड्स ऑफ नेग्लिजेंस कि आपने एक सस्टेनेबल इकोनॉमीज, आपने अर्बन प्लानिंग पे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे आपने सिर्फ एक या दो शहर में आपने इतना फोकस कर दिया कि आपके शहर भी अब ओवरबर्डन्ड हैं और आपके शहर भी वो बोझ नहीं उठा पा रहे हैं अब जॉब्स का, आपकी सर्विसेज का, एजुकेशन हेल्थ का, वो उठा ही नहीं पा रहे, और आप मशरूमिंग देखेंगे हर तरह के क्वैक्स की, हर तरह की छोटे छोटे अकेडमीज की, सब स्टैंडर्ड चीजों का। तो अब आप एक बिल्कुल एक वो देखेंगे शहरों में भी कि कोई उस पर कंट्रोल या हाल नहीं है।
ये होना नहीं चाहिए, नंबर वन जो मैं कह रही थी, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग अगर होगी तो बिल्कुल, जितना बड़ा ये गैप बन गया है उसमें डेफिनेटली सवाल का जवाब तो यही है, जितना बड़ा गैप है उसमें मसाइल बाकी बहुत डिफरेंट हैं। जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं या जो लाहौर में जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके प्रॉब्लम्स, और अगर हम रहीम यार खान में जाए चले जाएं अपने एक और प्रोग्राम एरिया में, देर इज जमीन आसमान का फर्क और इन हम इन वो वाला लेंस नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ वो हम लेंस एग्जैक्टली। सो वो एक तो कॉन्टेक्स्चुअल इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है जिसको कम करने की जरूरत है, जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन की और एक इक्वालिटी की यहाँ पे बहुत जरूरत है, कि जिस जिस तरह से रिसोर्सेज हमारे अर्बन सेंटर्स में की जाती है उसी तरह हमारे जो पसमानदा रूरल इलाके हैं वहां पे भी उसी तरह की रिसोर्स एलोकेशन हो, ताकि हम ये गैप मजीद बढ़ता ना जाए इश्यूज का। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा था रिगार्डिंग इस वक्त काम जो हो रहा है, मैं आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत चैलेंजेस हैं। ठीक है, बहुत हमारे मसाइल हैं, हमारा इतना ज्यादा जो सोसाइटी में हमारी जो बैरियर्स बन गई हैं, जितना हमारे माशरे में फनाटिसिज्म एक्सट्रीमिज्म सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हर सेक्टर में आपको नजर आता है, अब इतना लोगों के जेन में इनग्रेन्ड है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि ये मतलब ये भी चैलेंज है, फिर रिसोर्सेज का चैलेंज है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी देखती हूँ कि करंटली जो है ना काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ हुआ है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर्स वर्किंग इन पाकिस्तान, वर्किंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर, वर्किंग ऑन ह्यूमन राइट्स, एक्चुअली गेटिंग थिंग्स डन, एक्चुअली रोलिंग आउट प्रोग्राम्स ऑन द ग्राउंड वो। और आप जो जैसे पहले हम देखते थे कि SDGs पे बहुत काम हो रहा था, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की अगेन जो मैंने शुरू में बात की वो हर लेवल पे कोशिश हो रही थी। वो जाहिर है हमारे सोसाइटल इवल्स तो हैं लाइक लेग पुलिंग और इस तरह की चीजें तो चलती रहती हैं यहाँ पे क्या हर जगह, बट हर जगह चलते हैं। हर जगह चलती हैं बिल्कुल। लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट करते हुए बहुत काम हो रहा था, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहे थे। अब आपको जो है ना वो बहुत बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन गया है, विलिंगनेस भी बहुत कम लगती है, आपको कोई कोई सेट ट्रैक, कोई सेट पॉलिसीज किसी भी इदारे में ऐसा आपको नजर नहीं आती कि ये फ्रेमवर्क है, ये मैरिट। बहरहाल काम हमारा यही है, फिर भी यही रहता है, हमारी तो कोई इसमें रहते हुए कोई पॉलिटिकल अफिलिएशंस नहीं होती, कोई वैसे हमारा कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये कि एक आर जॉब गेट्स इवन मोर चैलेंजिंग देन टू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, टू ट्राई एंड मेक थिंग्स वर्क। आई नो, इलेन ने मेरी, इलेन ने ना आज मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये मैं बड़ी देर से, मतलब जब से चेंज ओवर हुआ है, और वही वाली इलेन वाली बात, हम ना किसी को सपोर्ट करते हैं ना हम किसी के खिलाफ है, हाँ हमने बस जी काम करना है। मगर इन 2 सालों में जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, चीजें सतही तौर पे नजर आती हैं, उनका इम्पैक्ट एब्सोल्युटली ग्राउंड पे मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। ठीक है जी इदारे बड़ी बातें भी करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, इनविटेशंस भी आते हैं, हम टेबल्स पे बैठ भी जाते हैं अगर कभी हाँ बुला जी भी लिया बिल्कुल जाए, मगर फिर वो वहीं पे ठंडी पड़ जाती हैं। और हाँ देखें, मुझे नहीं पता ये डिसीजंस कौन ले रहे हैं, किस तरह ली जा रही हैं। अब ये तो नहीं कहना चाहिए ना कि हर कोई इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी को ये नहीं पता। बहुत से हाँ मंझे हुए लोग हैं जो दोबारा पावर में आए हैं, हाँ जी तो वो बिल्कुल कहाँ पे मसाइल हो रहे हैं ये मुझे भी अब समझ नहीं आती। हाँ, जैसे लेन कह रही है ना कि अब मैं इन चैलेंजेस को अपनी स्ट्राइड में लेके चल रही हूँ। 2 साल मैंने बहुत देख लिया कि बातें बहुत हो रही होती हैं, स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी दी जा रही होती हैं, फिर भी वही अगेन इलेन वाली बात मैं कॉपी करूंगी कि हम फिर भी हाजिर हैं काम करने के लिए। बिल्कुल। अभी आप देखें कि ये चीज मैं बफखर भी महसूस करती हूँ इस बात पे कि करंट जो इस वक्त आप देखें ना नैरेटिव या थीम जो चल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना, पूरा जोर 2 सालों से मैं देख रही हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लो हुकूमती सतह पे, यही चल रहा है, बड़ी एक रेस लग रही है इस तरफ। एंड दिस इज हाँ समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज पिक्ड अप फ्रॉम द एनजीओ सेक्टर, फ्रॉम द डेवलपमेंट सेक्टर, ये हमसे पिक, यार हम किसी शौक से नहीं ये करते थे, हम तो ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा काम है
बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोकल कॉन्टेक्स्ट पे अडेप्ट करना, उस पर काम करना, वो रिसोर्सेज लगाना, ये हमारा काम रहा है सालों सालों से, आज से जब से मतलब ये डेवलपमेंट सेक्टर पूरी दुनिया में चल रहे, डेवलपमेंट सेक्टर का यही काम होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि हम बातें कर दें, हम उन बातों के लिए हमने कोई 3-4 साल का काम किया होता है जो हमने फिर रिफ्लेक्ट करना होता है कि ये पाकिस्तान की केस स्टडी है कि पाकिस्तान में हमने इस प्रोग्राम पे काम किया या ये हमने अचीव किया, ये रिजल्ट निकले, एक कम्युनिटी में काम करने से वहाँ स्कूल बन गया, वहाँ पे घर बन गए, ये हम काम करते रहे। लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, एक बातें सिर्फ नजर आ रही हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ही के मतलब, लेकिन ऑन द ग्राउंड दावे और वादे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट खुदा के लिए इनको इम्प्लीमेंट कराएं। हमें नंबर्स में राइज होना चाहिए, हमें वो भी दिखाएं, हमें अच्छा लगेगा। एलेन, मैंने आपको बहुत वक्त ले दिया, बट मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आप बहुत सी बातें मेरी मिरर कर रही हैं जो आई बिन वांटिंग टू से, और वो होता है ना कि शायद यू नो टुडे वाज गोइंग टू बी दैट डे। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस कन्वर्सेशन विद यू, बहुत जरूरी था बहुत से लोगों को ये बातें समझाना। बेटी के प्लेटफॉर्म पे एक बात मैं आपसे, मैं तो बहुत दफा समझाती हूँ बट कई लोग फिर भी इसको शायद गलत उसमें ले जाते हैं। आपके ख्याल में हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को, एम्पावर्ड वर्ड तो नहीं मैं यूज करूंगी मगर एजुकेटेड या अपने राइट्स के बारे में अवेयर होने की कितनी जरूरत है? क्यों हम बार बार इस पे फोकस करते हैं कि अपने आप को मुस्तहकम बनाएं, हमारा जेंडर ये क्यों जरूरी है? अब जब हम मुस्तहकम बनाने की बात करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ये जरा आप भी सिंपल लफ्जों में जरूर बताएं, बिकॉज मुझे लगता है रोज रोज की हैमरिंग जरूरी है एंड आई वांट यू टू गिव दैट मैसेज। या आई थिंक, थैंक यू, दिस इज अ वंडरफुल वे टू सॉर्ट ऑफ रैप दिस अप आल्सो, कि खवातीन जो है ना अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। नंबर वन, बहुत सारी खवातीन को अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता, कुछ अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करती हैं और कुछ अपनी स्ट्रेंथ को मिस यूज करती हैं। सो ये तीनों इस तरह से इशूज हैं जो कि है। एंड आई फील कि अगर जैसे आपने कहा कि मुस्तहकम हो जाए खवातीन, मिल के काम करें, तो ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो एक चेंज बन सकती हैं, बल्कि जो मर्द हैं, जो बेटे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज साबित हो सकती हैं। आप देखें, मैं एक मिसाल देती हूँ जो मुस्तहकम होने वाली, हम कमेटियाँ डालने के लिए तो बहुत मुस्तहकम हैं, ठीक है, कमेटियाँ डलवा लें, उसके बाद छुप छुप के आई चोरी चोरी भी, कभी पता भी नहीं होता, इतनी सेविंग आ गई उतनी, बट इसमें 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 शाये होने वाली क्या बात है? अगर हम इतना शाये की डी क्यों होता है, ये इतना एक पीछे रह के क्यों होता है? ये हमारी स्ट्रेंथ है भाई, हम जो खवातीन जितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, जितनी टाइम मैनेजमेंट खवातीन में इनबिल्ट है, जितनी स्ट्रेंथ्स हैं खवातीन की, जैसे मैंने पहले कहा, उसको हम रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते, उसको हम शो क्यों नहीं करते, उसको पॉजिटिवली क्यों नहीं यूज करते? अपनी माओ के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी नंद के साथ, रादर देन टेकिंग इट इन द, जब हम चीज़ों को बर्बाद करने के उसमें एक माइंडसेट से जाएंगे, जो कि खवातीन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, आई डोंट नो व्हाई ये लोगों को, खवातीन को ये सुनना पसंद है, ये कोई तारीफ नहीं हो रही होती कि हम दूसरे की बैक स्टैबिंग करते हैं, या वो एक ये एक खवातीन का जो एक इमेज बना दिया गया है, कोई तारीफें नहीं है, ये बहुत बुरी हमारी रिफ्लेक्शन है। और ये तो ऐसे, तो ये दिस शोज मिस यूज ऑफ पावर। अगर हम मर्दों को कहीं पे एक अग्रेशन की वजह से और बहुत सारे और मसाइल की वजह से हम कहते हैं कि वो अपना पावर और पेट्रियार्की को मिस यूज वो कर रहे हैं, तो इसी तरह खवातीन इन चीजों को ऐसे मिस यूज कर रही होती हैं अपनी स्ट्रेंथ को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक 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 और पहलू है जिस पे थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो विक्टिम प्लेइंग होता है, हाय मैं बेचारी, हाय मैं ये, ट्रस्ट मी हम सब ने ये मोमेंट्स देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, जब मुझे ऐसे बड़ा मजा आ रहा होता है अपनी पिटी पार्टी में और फिर आई लीव माय पिटी पार्टी। इस पे भी थोड़ा सा आपका एक ओपिनियन लेना चाहूंगी, बिकॉज़ आप उसी पॉइंट की तरफ आ रही थी। बिल्कुल, आई डोंट अंडरमाइन द चैलेंजेस वुमेन फेस एट ऑल, नॉट वंस, लाइक वो कदम कदम पे हमें चैलेंज फेस आता है, लेकिन उतने ही हमारी में स्ट्रेंथ भी है। अगर हमने वो चैलेंज फेस किया है, तो ये एम्पावरिंग जो बात है यहाँ पे वो यही है कि उस चैलेंज को हमें फेस करना है। अगर हमारे साथ, आई वुड दैट दैट वाज अ
एक हिला देने वाला इंसिडेंट था मेरे ख्याल, ये जो रेप इंसिडेंट था लाहौर में, इट वाज एन एब्सोल्युटली, पूरी मतलब कॉम को हिला दिया है। काम को इसने हिला दिया। एंड मेरा एक रिफ्लेक्शन है, हो सकता है लोग इसके साथ डिसएग्री भी करें, वो इसी क्योंकि वो हम जैसी एक औरत के साथ हुआ था। आप देखें कि रेप केसेस, चाइल्ड अब्यूज तो रोज होता है सड़क पे, किसी बिल्कुल के साथ भी, आपकी मेड के साथ होता होगा, हमें नहीं पता, हाउसकीपर के साथ होता होगा, लेकिन ये इसलिए हम सारे हिल गए बिकॉज एक हम जैसी लड़की एक औरत के साथ हुआ, जो एक आम अपनी गाड़ी निकाली, किसी भी वक्त सोचा अच्छा मैं जाती हूँ, उधर चली जाती हूँ, आधे घंटे में मैंने पहुंच जाना है, और उसके साथ ऐसे हुआ। सो दैट वुमन इज अ विक्टिम दैट, बट इट इज, ये चीज भी हमें फिर सीखनी चाहिए कि उसके साथ उसकी फैमिली, ये मीडिया का रोल किस तरह से सब उसके साथ खड़े हो गए, उसके उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए हम जैसे इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी एक मिसाल बननी चाहिए। खवातीन के लिए भी ये मिसाल, ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए। एंड दैट लेडी हैट्स ऑफ टू हर, के जिस तरह से एक तो मीडिया की कुछ खवातीन ने भी उनका साथ दिया और कहा कि खड़ी हो गई कि ये इज्जत का मामला कोई नहीं है, उनकी इज्जत वहीं की वहीं इंटैक्ट है, प्लीज और फिकर ना इज्जत कर, इज्जत उस आदमी की गई जिसने रेप किया। जिसने रेप किया। और यही चीजें अगर हम अपने बेटों बेटियों को सिखाना शुरू कर दें और खवातीन को स्ट्रेंथ दें कि उनके साथ अगर उसकी राइट की वायलेशन हुई है, उसकी उसकी फ्री स्पेस की वायलेशन हुई है और उसने उसको फेस किया इतने, उससे यही चीज हमें प्रमोट करनी है। एज वुमेन वी हैव टू कम टुगेदर एंड प्रमोट टू फेस इट, टू 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 अप्रोच द लॉ इन्फोर्समेंट, और इससे गिरे मत, लोगों के एटीट्यूड से मत गिरे, इसको चेंज करने में वक्त लगेगा लेकिन हमें खड़े होना है। बेशक हमें खड़े होना है और मिलके एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है, एब्सोल्युटली सिस्टरहुड में बिलीव कायम रखना है। क्योंकि नो ऑफेंस टू एवरीवन, आई थिंक जो लिटरेचर जितना खवातीन के जोक्स बने हैं मर्दों ने बनाए हैं और हमने मतलब एंजॉय किए हैं, ना करें एंजॉय, ये आपके लिए इंसल्टिंग है। थैंक यू सो मच इलेन, आप अपना काम जारी रखें, हमारी दुआ भी है आपके साथ। एंड इट वॉज एन एब्सोल्यूट Honor to have you here with me थैंक यू, इट today. वॉज Thank लवली स्पीकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेटफॉर्म। you आई so होप much. कि हम आगे भी काम करते रहें, आगे भी कोई सेशंस करते रहें इसी तरह के। इंशाल्लाह। और आज और जो हमने कुछ अपने कॉमन वो अनर्थ किया है ना, इस पे तो फिर हम पूरी पूरी सेशन प्लान कर एब्सोल्युटली सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एन ठीक है, एब्सोल्युट ठीक प्लेजर, है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।